वेलकम टू माय चैनल टेक अवे एसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आए हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे 2022 और 23 के बारे में। इस वीडियो में सबको पूरी जानकारी मिलेगी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अगर दोस्तों आपको यूपी स्कॉलरशिप का अपने मतलब खुद स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे फॉर्म को फिल करना है दोस्तों, कैसे आय जाती और आधार को वेरीफाई करना है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से लास्ट ही देखिएगा। इससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे कई रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो वीडियो तुरंत तक पहुँचेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमको किसी ब्राउज़र को ओपन करना है, चाहे अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी में आपको ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, करने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च बार पे जो है आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है हमको यूपी स्कॉलरशिप को सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे दोस्तों तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों को नीचे की ओर आना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूपी स्कॉलरशिप द ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस पर हमको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जो है दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन पर आई। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है दोस्तों। और हमको दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो इस पर हमको क्लिक करना है दोस्तों। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमको ऐसे क्लिक करना है दोस्तों, प्रेस किए रहना है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो हमको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे क्या दोस्तों यहाँ देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग। तो दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों और उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आइए हम एससी का करके दिखाते हैं। तो वहाँ अपना मतलब क्लास को चूज करना है दोस्तों, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर इंटरमीडिएट, फ्रेश और अदर देन जो भी क्लास है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम पोस्ट मैट्रिक का करते हैं, तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और आने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं अपने ज़िले का नाम। तो दोस्तों जिस भी ज़िले से आप हैं सेलेक्ट करना है, किसी ज़िले को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए शिक्षा संस्था आप जहाँ से पढ़ रहे हैं दोस्तों इस कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है जो है यहाँ पर धर्म, कौन से धर्म है आपका दोस्तों उसको सेलेक्ट करना है, वर्ग धर्म तो इसको जिस मतलब कैटेगरी में आप आते हैं दोस्तों उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों और यहाँ देख सकते हैं इसके बाद धर्म जो है आप हिंदू भी हैं, हिंदू हैं तो हिंदू कर लीजिए। और यहाँ देख सकते हैं छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि। और यहाँ देखिए लिंग दोस्तों, और यहाँ हाई स्कूल करने का जो है वर्ष दोस्तों, और यहाँ पर यूपी बोर्ड का कौन किस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर रोल नंबर यूपी बोर्ड का, और शिक्षा संस्था यानी कि जो है हाई स्कूल आप जहाँ से मतलब पास किए हैं दोस्तों वहाँ इस कॉलेज का नाम डालना है। इसके बाद डालने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर फिल करना है दोस्तों। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सोनी पासवर्ड जैसे ही फिल करेंगे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर बैक आना है दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमको फिर यहाँ पर आना है दोस्तों, और इसको हम उठू कर इसके